सो यार मुझे अभी रिसेंटली कुछ दो तीन पिंपल्स हुए हैं मेरे इस एरिया में, और अभी ढंग से आपको विजिबल नहीं होगा बिकॉज ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, एकदम छोटे छोटे बम्स हैं। और इनको मैनेज करने के लिए मैंने जो जो चीजें करी है मैं सोच रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी मेरा सीक्रेट पता चले कि भाई अगर मुझे पिंपल्स होते हैं, बिकॉज मैंने पास्ट में बहुत बार आप लोगों के साथ मेंशन किया है कि मेरी जो स्किन है वो एक्ने प्रोन स्किन है और मुझे पिंपल्स होते रहते हैं, लेकिन मैं मैनेज कैसे करता हूं, क्या क्या चीजें मैं यूज करता हूं अपने डेली रूटीन में जब मुझे पिंपल्स होते हैं। और वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि भैया आपको तो पिंपल्स होते नहीं है तो आप इतना सब कैसे नॉलेज दे रहे हो इसके बारे में। सो आई डू गेट पिंपल्स एंड ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, किसी को भी हो सकते हैं, इट्स अ स्किन प्रॉब्लम एंड आपको उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में ट्रीट करना है, और यही आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। सो आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए बिकॉज इट्स अ टेम्पररी थिंग एंड ये टाइम पीरियड बिंग टाइम आपके चली जाएगी, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाओगे, अगर आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सीरियस से अगर इफेक्ट हो रही है तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। सो आपको क्या करना है, जो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो जो मेरे स्किन पे वर्क करता है, आप वो सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी स्किन के ऊपर भी वो चीज़ें वर्क करती हैं नहीं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सबसे पहली बात, जब आपको पिंपल्स होते हैं, एक मेन थंब रूल आपको बनाना है कि आपको उनको बार बार टच नहीं करना है, क्योंकि आपके हाथ में होते हैं जर्म्स बैक्टीरिया, और जब आप उनको बार बार टच करते हो वो इरिटेटेड होते हैं और उससे आपकी रेडनेस बढ़ सकती है और आपके पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जितने आप उनको उन पे आएंगे उतने ज़्यादा उनकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो कभी भी अपने हाथों से अपने स्किन को बार बार टच ना करें, ये थंब रूल है, ठीक है, आपको टच नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपके पिंपल्स आते हैं, अगर रेड बम्स होते हैं आपको, तो वो धीरे 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 व्हाइटिश हो जाते हैं, व्हाइट हेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब वो हील अप हो रहा है। तो कभी भी उन व्हाइट हेड्स को फोड़िए मत, 2 से 3 दिन के बाद में अपने आप ड्राई होकर हट जाएगा, वो सबसे बेस्ट चीज है, अपने आप हट जाए तो ठीक है, चाहे वो कितना ही ज्यादा व्हाइट हो जाए आपको उसको प्रिक करके फोड़ना नहीं है, वरना आपके स्कार्स छोड़ जाएगा और हो सकता है कि आपके एक डार्क स्पॉट हो जाए और हो सकता है कि वो और ज्यादा बड़ा पिंपल हो जाए आपको। सो कभी भी उनको फोड़ना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगा के आप मैनेज कर सकते हो, जो मैं करता हूं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। थर्ड चीज कि आपको ना उस टाइम पीरियड में जब आपको एक्ने पिंपल्स है, हाई शुगरी एंड हाई सोडियम फूड्स अवॉइड करने हैं, जिनके अंदर ज़्यादा नमक हो ज़्यादा चीनी हो वो आपको अवॉइड करने हैं, उससे आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, आपको जो जलन महसूस होती है पिंपल्स पे वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए कट डाउन कर देना है ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। और उसके साथ ही आपको कुछ चीज़ें डालनी है अपनी डाइट में, जैसे कि ओमेगा 3 हो गया, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, जिससे कि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करें, और हो सके तो आप यूज़ कर सकते, आप ठंडे पानी से अपना फेस जो है वॉश कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इन्फ्लेमेशन फील हो रही है। तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या आपको करना है, जो अब मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली बात, जब मुझे पिंपल्स होते हैं तो मेरी स्किन पर सबसे बेस्ट चीज़ वो करती है वो है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। तो मैं मुल्तानी मिट्टी लेता हूँ, उसका पेस्ट लेता हूँ और अपने जहाँ भी पिंपल्स है उस पर लगा के ओवरनाइट सो जाता हूँ। जी हाँ, ओवरनाइट सो जाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे स्किन ड्राई हो जाएगी, कुछ भी ड्राई नहीं होती है, अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, ठीक है। तो मैं उसको लगा के सो जाता हूँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरा पिंपल है बहुत हद तक जो है ड्राई आउट हो जाता है, उसकी जो रेडनेस होती है वो काम हो जाती है। तो अब मेरी बारी आती है मेरे स्किन केयर की। सुबह उठते ही मैं अपना फेस वॉश करता हूँ एक सैलिसिलिक एसिड के क्लेंजर से, 1% यूज करता हूँ मैं, और उससे होता क्या है, आपकी जितने भी पिंपल है उसको पूरा ड्राई आउट कर देता है, वो उसके अंदर का जितना भी ऑयल था उसको वाइप आउट कर देता है, उसको हटा देता है और आपके पिंपल को इतना ड्राई कर देता है कि वो धीरे धीरे उसकी पूरी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती जाती है। तो ऐसा मैं 2 बार करता हूँ, रात को अपना फेस वॉश करता हूँ, सुबह उठते फेस वॉश करता हूँ, और अगर ज़्यादा बड़ा पिंपल होता है तो मैं 3 बार फेस वॉश कर लेता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पिंपल है तो आपको पूरा फेस ही वॉश करना है, आप उस पर्टिकुलर एरिया में भी अपना फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी जो रेडनेस है वो थोड़ी सी कम हो सके, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा हैक था कि आप 3 बार अपना फेस वॉश कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, ताकि
इसकी कामनेस खत्म हो जाए। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना ड्राई रखोगे उस एरिया को जब आपको पिंपल्स है उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी और आपका पिंपल ज्यादा रेड नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मॉइस्चराइज करना जरूरी नहीं है उस टाइम पीरियड में, जब तक वो ड्राई रहे बेस्ट है। जितना ड्राई रखोगे उतनी जल्दी हील होगा, ये छोटा सा सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़े दिन के लिए आप ड्राइनेस झेल सकते हो अपने पिंपल्स को ठीक करने के लिए, और ज्यादा ड्राई हो रहा है तो सबसे बेस्ट चीज है कुछ लगाओ मत, ओमेगा 3 खा लो, आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। ठीक है, या फिर आप ओमेगा 3 नहीं खा सकते तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल थोड़ा सा पानी में डाल के घोल के पी जाओ, उससे आपकी बॉडी आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। ये छोटा सा हैक था। तो सैलिसिलिक एसिड का क्लेंजर आपने यूज किया, मैं कोई टोनर यूज नहीं करता, मैं कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करता, ना मैं कोई सनस्क्रीन यूज करता हूँ, और यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। जब आपको पिंपल्स हो एक्नेस हो ज्यादा प्रोडक्ट्स के पीछे मत भागो, एक दो प्रोडक्ट्स चुन लो जो आपकी स्किन पे पर बेस्ट वर्क करते हैं। जैसे कि मेरी स्किन पे मुल्तानी मिट्टी रात में लगा के सोता हूँ, सुबह सैलिसिलिक एसिड से क्लेंजर से क्लेंज कर लेता हूँ। एक अब ये तो बात होगी आपका पिंपल्स खत्म करने के लिए, ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड से 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उसके पीछे डार्क स्पॉट रह गया है, पिंपल का डार्क स्पॉट रह गया है, अब मुझे हील अप करना है। देखो सैलिसिलिक एसिड भी एक्सफोलिएट करता है तो उसका डार्क स्पॉट चला जाता है, लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो एक छोटा सा रेमेडी बताता हूँ। आपको क्या करना है, बेसन लेना है, बेसन के अंदर आपको डालना है दूध, उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा 2 से 3 बूंदे, ज्यादा नहीं, 2 से 3 बूंदे डालनी है आपको लेमन की, मिक्स करना है, पेस्ट बना के उस पे लगा के छोड़ देना है कुछ देर के लिए। ठीक है, उससे होगा क्या, जो आपका दूध है उसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, लेमन है उसके अंदर आपकी, वो बहुत अच्छा वाइटमिन सी सीरम है आप लोगों के लिए, तो वो उस जगह को उसकी इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, और जो बेसन है वो अच्छा एक्सफोलिएंट साबित होगा, और उस जगह की जो अपर स्किन है जो एपिडर्मिस है उसको एक्सफोलिएट करेगा, और वहां पे एक इतना अच्छे से वर्क करेगा कि आपकी जो डार्क स्पॉट है वो धीरे धीरे लाइटन अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप यूज कर सकते हैं, एज ए मास्क यूज कर सकते हो, और इसको आप एज ए स्क्रब भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा स्क्रब वर्क करता है क्योंकि, लेकिन हाँ मोटा बेसन लेना है, पतला बेसन नहीं लेना है। मोटा बेसन लोगे जितना ज्यादा प्लेन लोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो मिक्सअप ही नहीं होगा, लेकिन मोटा अगर लोगे तो एक अच्छा पेस्ट बना पाओगे आप। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो मोटा बेसन लेना, उसका पेस्ट बनाना और पिंपल पे लगा लेना और छोड़ देना। ठीक है, डार्क स्पॉट में अच्छा वर्क करता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको लेमन सूट नहीं करता, तो वो लोग क्या है दूध डाल के रख सकते हैं, और उसके अंदर आप थोड़ा सा जो है रोज वाटर डाल सकते हैं, उससे क्या थोड़ा सा पीएच बैलेंस हो जाता है। डार्क स्पॉट में वो कोई ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लाइटन अप कर देगा उस जगह को, जिससे कि आपका जो डार्क स्पॉट है थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन जो एक्चुअल में जो वर्क करेगा वो लेमन ही वर्क करेगा। तो कम क्वांटिटी में डाल लीजिए, 3 से 4 बूंदे नहीं तो 2 बूंदे डाल लीजिए, लेकिन डालिए जरूर। ठीक है, तो डार्क स्पॉट आप ऐसे जो है रिमूव कर सकते हो। और एक चीज आपको अपना स्किन केयर के साथ साथ अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है, शुगरी फूड्स हाई सोडियम अवॉइड करना है। खाना क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने हैं, मैदा वगैरह नहीं खानी है उस टाइम पीरियड में, मैदा से आपका इंसुलिन स्पाइक होता है और उससे आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। तो कुछ टाइम के लिए आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स खाने हैं, जैसे कि ओट्स। आज मुझे एक कमेंट आया कि ओट्स को प्रमोट मत करो, दलिया खाओ और उपमा खाओ। देखो यार, दलिया उपमा जहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑप्शन की बात नहीं हो रही, आप कुछ भी खा सकते हैं। जो मैं खाता हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, और जो मेरी स्किन पर वर्क करता है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। दलिया उपमा इट्स नॉट ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये जल्दी लाइट होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो ताकि हमारे को पूरा दिन एनर्जी मिलती रहे उससे। कॉम्प्लेक्स कार्ब का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब धीरे 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 डाइजेस्ट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब धीरे डाइजेस्ट होते हैं इसलिए हमको पूरे दिन एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर दलिया खाओगे, अगर आप उपमा खाओगे, तो वो 1 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपको फिर बाद में कोई एनर्जी नहीं मिलेगी उससे। और आपको खाना है हाई प्रोटीन फूड, ठीक है, तो हाई प्रोटीन फूड, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपकी स्किन को रिपेयर करता है। ठीक है, तो हाई प्रोटीन फूड खाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी स्किन जल्दी रिपेयर होगी, डार्क स्पॉट्स जल्दी हटेंगे। और उसके अंदर मैं डालता हूँ ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी रेसिपी आने वाली है ओट्स की। ठीक है, किचन में भी थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जिस दिन टाइम मिलेगा आप वीडियो आपकी जरूर आपके लिए बना दूंगा। तो आपको वो खाना है, बाकी फालतू की चीजें आपको नहीं खानी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान दीजिए, ओमेगा 3 खाइए और स्किन का ध्यान रखिए। सो आज की वीडियो में मेरी तरफ से कुछ ये टिप्स थी, डूज एंड डोंट्स थे कि क्या नहीं करना है। पिंपल्स को फोड़ना नहीं है, सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर यूज करना है, और अपनी स्किन का ध्यान रखना है, पानी ज्यादा पीना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ है।